यूपीएससी परीक्षा वर्ष 2019 में पार कर सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बने विश्वनाथ ने इससे पूर्व आईएएस की भी परीक्षा दी थी, लेकिन पूरा नंबर न होने की वजह से आईएएस में इनका चयन नहीं हो सका। विश्वनाथ का कहना है कि आईएएस बनने के लिए अभी भी मेरा प्रयास जारी रहेगा। विश्वनाथ में देश के प्रति कार्य करने का जज्बा दिखाई दे रहा है। बेटे की सफलता को लेकर माता पिता तथा उनका पूरा परिवार खुशहाल है। भिनगार नगर पालिका अध्यक्ष अजय आर्य और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक बाबू राम ने विश्वनाथ को सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी। आपका सिलेक्शन लोक सेवा आयोग द्वारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में हुआ है, क्या? सबसे पहले मैं तो इसका श्रेय अपने माता पिता, अपने शिक्षक गण, अपने दोस्तों को देना चाहूँगा जो हमेशा मेरे साथ इस प्रक्रिया में रहे। और ये जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इससे मैं देश की पूर्णता सेवा करूँगा और जो भी लक्ष्य मुझे दिया जाएगा उसका मैं पूरी तरह निर्वहन करूँगा।